हमारे दोस्त हैं शहाबुद्दीन साहब, शहाबुद्दीन अच्छे, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। जी शाह भाई, क्या है आज? होना क्या भैया, आपकी बातें सुन रहा था मैं, तो आपके फरमा रहे थे कि शादी जो है वो नाकाम क्यों हो जाती है। हमारी शादी जो है वो नाकाम तरीन कामयाब शादी है, यकीन जानिए नाकाम तरीन कामयाब शादी। ओके। क्योंकि वो सब्र करती रही, हम शुक्र करते रहे। मैंने कल नहीं, तुमने शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि तुम सिगरेट पीते हो, मैं कहा तुमने क्यों नहीं बताया तुम खून पीती हो। यार हमारी कौम, आप जो है ना क्रिटिसाइज़ करते थे कभी कभी हमारी कौम को, हमारी कौम देखो तो जीनियस कितनी है, दुनिया में शैतान बंद पड़ा हुआ है और इस कौम ने VPN लगा के खोल रखा है। ये तो जो है आप भी तो आज़ादी हैं। चलिए आपका फुसरा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात कर लूँ, ज़रूरी बात होती है, इनको पैगाम देने होते हैं। देखिए साहब, बात यह है कि इफ्तार जो है ना वो बहुत कीमती चीज़ है। अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, तशरीफ़ फरमाया, कह लेंगे कि इफ्तार जो है वलीमे की तरह नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात, पेट अपना पेट समझ के खाओ, लेकिन देखो इफ्तार जो है डॉक्टर भी कर रहा, इफ्तार डॉक्टर भी कर रहा, दुआ इफ्तार पे सबकी कबूल हो रही है, डॉक्टर भी रिस्क और रोज़ी बढ़ाने की दुआ कर रहा है। तो इफ्तार में रिस्क इस तरह मत खाओ कि कल कला को डॉक्टर की रोज़ी बन जाओ। एक बड़ी अजीब खबर इस दफ़े हुई है कि महकमे सेहत जो है वो एक बड़ा इकदाम ले रही, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा किसी बेजान के लिए। वो कह रहे हैं जैसे ही आमों का सीज़न आ जाए, एक एक आम उठा के पोलियो के टीके लगाना सबको, ताकि इस दफ़ा कोई लंगड़ा ना हो। ये अच्छे इकदाम कुछ हो जाते हैं बाज़ वक़्त, क्योंकि देखिए मेरे एक दोस्त मुझे कहने लगे, यार तुम कहाँ रोल रहे हो, यहाँ पे अमेरिका गए हुए थे, अच्छा खबर वहीं फिसल जाते, वहीं रह जाते, क्यों आ गए? मैं कहा भाई बात ये है, वो है टिश्यू पेपर का मुल्क, मैं नहीं रह सकता वहाँ। शावर होते हैं लेकिन मुस्लिम एक भी नहीं है। मैं तो तंग आके पाकिस्तानी स्टोर पर चला गया, मैंने कहा भाई लोटा मिल जाएगा? कहने लगे आज़ाद का दूँ या किसी पार्टी का। पचहत्तर बरस से ये शहर आबाद हुआ हुआ है, से मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन सीवरेज आज तक नहीं हमारे पास। बारिश होती है पानी, हमारी नानी कहती थी बारिश के पानी में शिफा होती है, और नाना को वो गली में से डोए भर भर के लाती थी, पिलाती थी, कहती थी, और नाना को हमेशा बीमारी देखा मैंने, क्योंकि गली से बारिश का पानी ला के पिला रही, बताया। सीधी सादी औरतें। दूसरी बात ये कि देखो मैं आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि ये बारिश का पानी क्यों टिक जाता है, क्योंकि सेवरेज नहीं है, और गरीबों के लिए बेवरेज नहीं है, दोनों महंगा है। सेवरेज खुला पड़ा है, बारिश का पानी, दुनिया की टीमें यहाँ पे आती हैं ट्रैफिक का, ट्रैफिक देखने के लिए कि निज़ाम कितना अच्छा चल रहा है, और हमारे यूँ कह लीजिए कि पानी हमारे यहाँ बरसात का पानी ट्रैफिक से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, कम अज़ कम सिग्नल पर खड़ा तो रहता है। आखिर में एक बता दूँ, इफ्तिखार आरिफ साहब भी एक दफ़ा फंस गए थे पानी में, उनका शेर था कि मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसका घर कर दे। जब वो फंसे पानी में और गाड़ी के बोनट पर से लहरें जा रही थी, कहने लगे मेरे खुदा मुझे शख्सियत से हस्ती कर दे, मैं जिस कार में बैठा हूँ उसे कश्ती कर दे। आदाब।